Hello, my dear student. I am your social science teacher. My name is Poonam from Raj International School. As you already know, we have covered the part 1 of our chapter, Our Changing Earth. In that part, we have discussed about endogenic forces, exogenic forces, what is volcano, earthquake, how it happens, and what is the causes it has. Okay, in this lecture, in this class, we are going to cover major landform. As I have already discussed in my previous lecture, that by endogenic and exogenic forces, so many landforms are formed. So let us discuss how they are formed. Basically, four things are formed by this. See, river, sea, ice, it means glacier, and wind. How these landforms are formed, we will discuss. Come with me. What is weathering? वेदरिंग क्या होता है? जब अर्थ के सरफेस पे जो रॉक्स होती हैं, जो पहाड़ होते हैं, जब वो कटते हैं, इरोड होते हैं, दैट इज नोन एज वेदरिंग. ओके, वेयरिंग एंड टियरिंग होता है ना, जैसे पहाड़ कटता जाता है, उसको हम वेदरिंग कहते हैं. इरोजन क्या होता है? इरोड होके आना, बह के आना. व्हेन दीज फाइन पार्टिकल्स और इट मे बी बिग पार्टिकल्स, व्हेन दे कम बाय द मीन्स ऑफ फ्लड, एयर, वॉटर, किसी भी मीन से आए, दैट इज कॉल्ड इरोजन. काफी सारे रीजंस होते हैं ना किसी चीज के बह के आने के, है ना. तूफान के साथ बह के आ गई मिट्टी, पहाड़ आ गए, बारिश के साथ आ गए, फ्लड के साथ आ गए, ठीक है, सुनामी वगैरह आते उनके साथ बह के आ गए. सो दीज आर कॉल्ड बाय इरोजन. इरोजन से काफी सारे मीन से बह के आ जाते हैं. दे आर डिफरेंट मीन्स बाय इरोजन हैपन्स. ओके, सो दीज वर द टू पॉइंट व्हाई दीज लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म. लेट अस डिस्कस द वर्क ऑफ अ रिवर. रिवर का काम क्या होता है और वो क्या क्या फॉर्मेशंस बनाती हैं अपनी प्रक्रिया में, वो हम पढ़ेंगे. वॉटरफॉल, वॉटरफॉल क्या होती है? सबने पढ़ा है एंजेला फॉल, ठीक है, हाईएस्ट वॉटरफॉल, विक्टोरिया फॉल्स. अपने गूगल पे जाके नेट पे जरूर सर्च करिएगा, पिक्चर देखिएगा इसकी, ठीक है. तो वॉटरफॉल सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि जब कोई नदी होती है, जब अपनी फुल इंटेंसिटी पे होती है, स्पीड पे होती है, वो किसी क्लिफ से नीचे गिरती है. क्लिफ से जब वो नीचे गिरती है तो ऑब्वियसली कोई हार्ड मटेरियल भी होता है रॉक का, कोई सॉफ्ट मटेरियल भी होता है. तो जब वो पत्थर को काटती हुई नीचे गिरती है तो ये एक लैंडफॉर्म का निर्माण करती है, जिसको आप क्या कहोगे? वॉटरफॉल, ठीक है. वहां से वॉटरफॉल हो रहा है, किसका? रिवर का. और क्यों फॉल हो रहा है वहां से? जस्ट बिकॉज ऑफ द रॉक्स आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, ठीक है. मतलब पत्थर भी, आप सोचो, इमेजिन की उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी कि वो पत्थर को भी काटती हुई नीचे आ रही है. जैसे ही पानी गिरता है उसकी पत्थर की आकृति उसी के अकॉर्डिंग हो जाती है, ठीक है. अब ये मिएंडर्स, ऑक्सबो लेक, फ्लड प्लेन, लीव्स, हम इस डायग्राम से समझेंगे, ठीक है. ये देखिए एक रिवर है, कहां से आ रही है? इधर से आ रही है. जब एक नदी अपनी गति पे होती है, फ्रीक्वेंसी उसकी हाई होती है, तो क्या होती है? ऑब्वियसली अपने साथ वो हजारों चीजें लेके बह रही है, फाइन पार्टिकल्स लेके बह रही है, ठीक है, पत्थर लेके बह रही है. तो जब ये नदी यहां से बहती है तो यहां जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो यहां मुहानों पे, जिसको आप क्या कहोगे इन ज्योग्राफी? यू कॉल इट मिएंडर्स. जब ये मुहानों पे आके ये पत्थर, ये स्लिट, ये मार्बल्स, ये जो रॉक्स के टुकड़े हैं, ये आके इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसको आप कहोगे मिएंडर्स. ये देख रहे हो आप, मैंने डायग्राम्स में शो करा हुआ है, जो पार्टिकल्स हैं ये मिएंडर्स हैं. और ये जगह आप देख रहे हो, यहाँ पे लाके नदी ने अपने जोर से, गति से आई है और अपने साथ जो लाई है वो यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है, ठीक है. जब इसकी नदी की गति इतनी तेज होती है कि वो अपने जो लिमिट होती है उससे भी बाहर बह जाती है, तो वो एक ऑक्सबो लेक का निर्माण करती है. ऑक्सबो क्या होता है? आप सभी ने ऑक्स देखा होगा, महाकाल का ऑक्स देखा है सबने. शिवजी का जो ऑक्स होता है उसके सींग कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं. कैसा शेप है? क्रिसेंट शेप, जिसको आप आधा चांद भी कहते हो. आधे चांद का शेप बन रहा है, या महाकाल के जो नंदी जी उनके सींग बन रहे हैं, तो उनके सींग के ही आकार का ऑक्सबो लेक का निर्माण होता है, ठीक है. अभी यहाँ पे भी देखिए आप, ये क्या डस्ट
क्या इकट्ठा हो रहा है? सेडिमेंट्स, स्लेट, क्ले, बहुत सारी चीजें यहाँ इकट्ठी हो रही है और यहाँ पे छोटा सा तालाब का निर्माण हो चुका है। किस वजह से? क्योंकि नदी की स्पीड जो रिक्वायर्ड थी उससे ज्यादा तेज गति से वो बह रही है। तो ये है लेक हमारा और यहाँ पे इसके पार्टिकल्स इकट्ठे हो गए हैं। समझ में आया आपको? वॉटरफॉल क्या था? जब तेजी से पानी बह रहा था, पत्थर को काटता हुआ नीचे गिर रहा था, नीचे के पत्थर भी कट गए, अब वो अपनी पूर्ण आकृति में आ चुके हैं, तो वो वॉटरफॉल का निर्माण कर चुके हैं। एंजेला वॉटरफॉल इज द हाईएस्ट वॉटरफॉल, जरूर देखिएगा। मीएंडर्स मैंने आपको कहा था, ये मुहानों में जो इकट्ठा हो जाता है उसको मीएंडर्स आप कहते हो। ऑक्सबो लेक जब तेज गति से बहते हुए अपनी लिमिट को, अपनी जो बाउंड्री को छोड़ते हुए अलग एक निर्माण करते हैं, उसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। फ्लड प्लेन, अब जब इतनी सारी एक्टिविटी होती है, इतने सारे पार्टिकल्स आ रहे हैं, इतनी सारी चीजें बहके आ रही हैं, तो ये लैंड क्या फर्टाइल नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। तो ये एक फर्टाइल फ्लड प्लेन का निर्माण कर चुकी है नदी यहाँ पे, ये बहुत उपजाऊ एरिया है, ठीक है। लीव्स, लीव्स क्या हो गया बेटा? थोड़ा सा उठा हुआ किनारा, जब नदी यहाँ बह रही है उसने अपनी जगह बना चुकी है, तो ये साइड में क्या हो गए हैं? रेज्ड बैंक्स। रेज्ड मतलब उठे हुए किनारे, यहाँ नदी है और यहाँ किनारे हैं। तो आपको वर्क ऑफ रिवर समझ में आया, ठीक है। आगे चलते हैं वर्क ऑफ सी। सी सबको पता है, समुद्र, ठीक है। सी केव्स, लॉयन की केव सबको पता है ना कैसी होती है, आगे से छोटी पीछे से हॉलो, सबको पता है ना शेर की गुफा कैसी होती है, वही शेर की गुफा है। बट ये शेर की नहीं है, ये समुद्र की गुफा है। जब समुद्र की लहरें कितनी तेज आती हैं तूफान के कारण, या अपनी नॉर्मल जो उनकी एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग, जब वो जोर जोर से पत्थर की ओर टकराती हैं, तो एक केव का निर्माण होता है, केव की फॉर्मेशन होती है। क्योंकि हम मेजर फॉर्मेशंस पढ़ रहे हैं, लैंडफॉर्म्स पढ़ रहे हैं, तो सी में सी केव्स का निर्माण हो रहा है, ठीक है। एक हॉलो सा स्ट्रक्चर बन गया है जहां पे जगह है, ठीक है। आर्चेस, सी आर्चेस, सी आर्चेस क्या हो गया? जब सी केव्स बन गई, गुफा बन गई, उसका एक किनारा खुला था, दूसरा किनारा तो बंद था, बट आर्चेस का निर्माण कब हुआ? जब इधर से उधर आर पार पानी आ जा रहा हो, समुद्र का मतलब एक गोल आकृति बन गई है, ठीक है, पानी इधर भी आ रहा है और उधर भी। स्टैग्स, सी केव्स में गुफा बन रही थी, आर्चेस में आर पार पानी जा रहा था, स्टैग्स में क्या है? जब इकट्ठे खड़े पत्थर होते हैं समुद्र के बीच में, ठीक है, ऐसे लगता है जैसे कोई वॉल खड़ी है, उसको हम कहते हैं स्टैग्स। स्टैग्स इन सी मतलब खड़े पत्थर समुद्र में, उसमें कोई आकृति नहीं होती, बस पत्थर के जैसे, शिला के जैसे होते हैं, ठीक है। सी केव्स आपने पढ़ा, गुफा। आर्चेस आपने पढ़ा, आर पार पानी जा रहा है। स्टैग्स आपने पढ़ा, खड़े हुए शिला, खड़े हुए पत्थर या रॉक्स, बिल्कुल सीधे होते हैं वो पानी के उससे प्रभावित नहीं होते, इफेक्टेड नहीं होते हैं। सी क्लिफ, सी क्लिफ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सी क्लिफ क्या होती है? बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में जब कोई चट्टान खड़ी रहती है और उसके नेक्स्ट क्या है? समुद्र है। आपने कई सारी एडवर्टाइजमेंट देखी होंगी, डर के आगे जीत है ना, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाते हैं, बीच में समुद्र होता है, तो वो क्लिफ होती है, ठीक है। इस क्लिफ से वो दूसरी क्लिफ पे क्या कर रहा है? वो हीरो पर्टिकुलर जंप कर रहा है, तो वो जो पहाड़ है दैट इज क्लिफ। समझ में आई आपको? मतलब क्लिफ से नेक्स्ट क्या है? समुद्र है। और ये बेटा रेज्ड होते हैं, छोटे नहीं होते, ये बहुत ही ऊंचाई पे होते हैं, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं वर्क ऑफ रिवर, वर्क ऑफ सी। थर्ड हमारा क्या है? वर्क ऑफ आइस। आइस आप सभी को पता है ना, बर्फ का। बर्फ की जब हम बात करते हैं, जब हमारे माइंड में आता है ग्लेशियर का नाम, तो ग्लेशियर आर नोन एज रिवर्स ऑफ आइस। रिवर्स ऑफ आइस क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्लेशियर बड़े बड़े हिमखंड होते हैं, हिमखंड हिंदी में कहते हैं, बड़े बड़े समुद्र में बर्फ के टुकड़े होते हैं जो कि बहते हैं। ग्लेशियर मोरेन क्या होता है? ग्लेशियर मोरेन होता है बेटा जो ग्लेशियर रिवर्स ऑफ आइस जो अपने साथ जो बहा के लाते हैं इरोडेड मटेरियल, जो डेब्रीज होती हैं, जो कचरा होता है, उससे दो चीजों का निर्माण होता है। एक तो बहा के लाती है, उससे ग्लेशियर मोरेन का निर्माण हो रहा है।
किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है, ये देखो अपने साथ, जो जब ये मेल्ट हो गया तो अपने साथ बहा के ला रहा है क्या, ग्लेशियर मोरेन, ठीक है। दूसरा, तालाब भी बन जाते हैं कई जगह, आपने देखा है ना मूवीज में या किसी एडवर्टाइजमेंट में कि ग्लेशियर तो तैर रहे हैं, बीच में नदी सी भी है, तालाब सा भी है, पॉन्ड सा भी है, तो वो इस वजह से बनता है। तो वर्क ऑफ आइस में दो काम आ गए, रिवर्स ऑफ आइस होते हैं ग्लेशियर्स और ग्लेशियर मोरेन का निर्माण करते हैं। ग्लेशियर मोरेन जैसे हमारी नदी फ्लड के कारण सब चीज बहा के लेके आती है, ऐसे ही सेम काम हमारी आइस करती है। ग्लेशियर जब वो पिघलता है तो पॉन्ड्स बन जाते हैं, रिवर्स ऑफ आइस बन जाते हैं। और दूसरा काम क्या होता है, ग्लेशियर मोरेन अपने साथ डेब्रीज बहा के ला रहा है, कचरा बहा के ला रहे हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लेशियर मोरेन। ये मैंने आपको दिखा दिया है, डिपिक्ट कर दिया है पहाड़ों के बीच से, ये व्हाइट कलर का जो बह के आ रहा है, दैट इज आवर रिवर्स ऑफ आइस। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू वर्क ऑफ विंड, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं रदिक, नदी का क्या काम था, समुद्र का क्या काम था, आइस का क्या काम था, क्या क्या उन्होंने फॉर्मेशन करी है लैंडफॉर्म्स की। आपके जो चैप्टर में लास्ट है वर्क ऑफ विंड, इस चैप्टर पे, इस टॉपिक पे आपका ये पर्टिकुलर चैप्टर एंड होता है। तो चलिए एक बार इसको देखते हैं क्या काम है इसका विंड का। मशरूम रॉक्स, मशरूम आप सभी ने देखे है ना, नीचे डंडी होती है, ऊपर ऐसा होता है जैसे अम्ब्रेला हो, ठीक है, तो क्या ये वो नहीं लग रहा है, तो ये लग रहा है बट ऐसा क्यों बना है, इसको हम देखते हैं। आप ये देख रहे हो यहां से हवा जब बह रही है तो ये दूसरे छोर पे जा रही है, यहां से हवा बह के दोबारा रिटर्न आ रही है, मींस ये जो इसका बॉटम है ये हवा के प्रभाव के कारण, हवा के इफेक्ट से इसका जो बॉटम है वो घिस के पतला हो जाता है, ठीक है, मतलब इसका बॉटम पतला हो चुका है और इसका जो टॉप है वो इफेक्टेड इतना नहीं रहता, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड है और ये सॉफ्ट है, इसको हवा ने, मैं क्योंकि इंट्रोडक्शन में ही आपको बता चुकी हूँ हवा से पानी से इनसे फॉर्मेशंस होती है लैंडफॉर्म्स की, तो ये हवा से कट कट के पतला हो चुका है और ये जो है ये अनइफेक्टेड है, तो ये हमारी नेचुरल जो चीज बन चुकी है, नेचुरल लैंडफॉर्म बन चुका है, ये क्या है, मशरूम रॉक्स, ठीक है, इससे मशरूम रॉक्स का निर्माण हो गया है। आप नेट पे जरूर सर्च करेगा, बहुत ही अच्छे अच्छे पिक्स दी हुई है, ऐसा ही दिखता है, कई कईयों की हाइट ज्यादा होती है, कईयों की कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट में आता है सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स सिंपली जो जहां पे ड्यून्स, जहां पे आप देसी भाषा में आप टिब्बे कह लो, ठीक है, जहां पे इकट्ठे हो जाती है मिट्टी काफी समय के लिए, वहां सैंड ड्यून्स बन जाता है, सैंड का अंबार लग जाता है, ठीक है। थर्ड इज लेओस, लेओस सबसे पहले तो मैं बता दू चाइना में मिलते हैं, ठीक है, लेओस होते क्या है, ये बहुत ही फाइन पार्टिकल, ग्रेन पार्टिकल्स होते हैं सैंड के, जो बहुत ही दूर तक ट्रांसमिट हो जाते हैं, बहुत दूर बह के उड़ के चले जाते हैं, ठीक है, तो वो लेओस का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि हम इस चैप्टर में फॉर्मेशन ही पढ़ रहे हैं, क्या क्या लैंडफॉर्म्स बनते हैं ये पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या समझ में आया, लेओस क्या हो गया, फाइन पार्टिकल जो बहुत ही दूर जाके उड़ के एक आकृति का निर्माण करते हैं, मतलब फाइन पार्टिकल्स होते हैं, बहुत बारीक कण, ठीक है, मिट्टी के ही, ठीक है। तो आज आपने पढ़ा मेजर लैंडफॉर्म, वर्क ऑफ रिवर, वर्क ऑफ सी, वर्क ऑफ आइस एंड वर्क ऑफ विंड। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और सारी चीजें बहुत ही अच्छे से अंडरस्टूड हुई होंगी। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी बैक एनी टाइम, एंड रिलेटेड टू दिस आई एम ऑल्सो पोस्टिंग अ वर्कशीट टू यू, होप यू विल अटेम्प्ट इट एंड आस्क फॉर द डाउट्स टू मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।